पहले कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, और जब ठाकुर जी को जन्म भयो तो ब्रजवासीन के क्या बात है, बधाई देवे वारे ने की लंबी लाइन लग रही, मैया बधाइए, बाबा बधाइए, और जो गोपी कन्हैया को गोद में ले लेने वा को मन नहीं करे कृष्ण को देवे को, वो कृष्ण को अपनी गोद में खिलामती रहे और मन करे कि लाला मैं अपनी गोद से ना उतारूं, परंतु फिर भी अब जो मेरा भाग्य है मैं तो यही चाहूंगी कि सबको भी कृष्ण खिलाने को मिले, तो वो सबको कृष्ण को देती है और सबको आनंद का, उस अनुभव का, सौभाग्य का अधिकारी बनाती है। कृष्ण के उस उत्सव में, नंद महोत्सव में सब झूम रहे, सब गा रहे, सब नाच रहे और बड़ा ही आनंद आ रहा है, और वो आनंद अवर्णनीय है, और सब गोपियां कह रही हैं हे प्यारे, तो वो ब्रज की गोपी कृष्ण का मुख देख देख कर बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। उसी वक्त पूतना आई, जब कृष्ण 6 दिन के थे, कृष्ण को मारने के लिए रूप बदल कर, भेष बदल कर पूतना आई है, स्तनों से कालकूट विष लगाकर आई, और कालकूट विष लगाकर कृष्ण को मार देना चाहती है, दूध के बहाने विष पिलाना चाहती है। जो कन्हैया थे, जो धर्म थे, जो धर्म से जुड़े हुए लोगों से छल करे, कपट करे, अपने धर्म को नुकसान पहुंचाए, वही पूतना है। जो भगवान से भी सच नहीं बोलती है, भगवान के आगे भी दिखावा करती है, पाखंड करती है, जैसी है वैसी नहीं। देखो भाई, भगवान के आगे जब भी जाओ तो तुम जैसे हो ना वैसे ही बन के जाओ, दिखावा नहीं चलेगा वहां। तुम बुरे हो तो भगवान को कहो कि हां मैं बुरा हूं, और अगर अच्छे हो तो भगवान को कहो ये भी आप ही ने बनाया है, मैं जैसा हूं वैसा आपका हूं, ये शब्द आपके मेरे गोविंद के प्रति नित प्रति होने चाहिए। गोविंद को हर दिन बताओ कि मैं जैसा हूं आप ही का हूं, उसमें दिखावा नहीं, उसमें कोई भी छलावा नहीं। और जो भगवान के आगे भी भेष बदल के कपट करके जाए, जैसे इनसाइड अंदर नहीं है हम लोग, लेकिन फिर भी भगवान को दिखा रहे, तो वो भगवान को लोग ऐसे पसंद नहीं, फिर भी भगवान उनका बुरा नहीं करता है, पर वो अच्छे नहीं लगते भगवान को, उनसे बात नहीं करना चाहते भगवान, उन्हें देखना नहीं चाहते भगवान। जैसे ही पूतना रूप बदल कर गई, ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, देखा ही नहीं। बनके तो अच्छी गई है, ठीक ठाक बन के गई, बड़ी मलूक बन के गई, इतनी मलूक जो कोई देखे तो यूं कहे ये तो भैया स्वर्ग ते लक्ष्मी जी आ गई लगे, इतनी मलूक है, कोई बोल नहीं सके, बड़ी मलूक लग रही है, बड़ी सुंदर लग रही है, कोई नहीं बोले हो। परंतु कृष्ण ने वाकी तरफ देखो ही नहीं, आंख ही बंद कर ले, नेत्र बंद कर लिए। भगवान हमेशा पुण्य देखना चाहता है, परमात्मा हमेशा धर्म देखना चाहता है, परमात्मा हमेशा सत्कर्मियों को देखना चाहता है, तो हमें सत्कर्मी बनना चाहिए। नेत्र बंद कर लिए कृष्ण ने, पूतना ने कृष्ण को उठायो, कन्हैया ने निश्चय कर लियो कि चाहे ये मोई विष पिवावे के लिए आई है, परंतु मैं याको सदगति प्रदान करूंगा जो मैंने मैया यशोदा के लिए सोच रखी। पूतना ने अपनो स्तन कन्हैया के मुख में दियो, कन्हैया ने कस के पकड़ लिए दोनों हाथन से, कहूं भाग नहीं जाए, वैसे भगवान जाए पकड़ ले वो भाग नहीं सके, फिर कहूं कि तो को नहीं जाएगा, पकड़ ले कन्हैया कहां जाए को बता। जैसे कृष्ण दूध पान करवे लगे तो वो समझ गई कि कछु होएगो, अब मैं यार नहीं मार पाऊंगी, अब ये मुझे मारेगो, तो वो थोड़ी देर बाद ही अपने आप को छुड़ावे लगी, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे। कन्हैया मन ही मन कह रहे हैं,
अरे मौसी, जाए मैं एक बार पकड़ लूं भाई कब छोड़ू ना हूं, और जाए मैं छोड़ दू भाई कब पकड़ू ना हूं। अब तो मैंने तू पकड़ ली, अब तो छोड़ूंगा ना। और ये सच है, कृष्ण जिसे पकड़ ले उसे कभी छोड़ता नहीं है, और जिसे छोड़ दे उसे कभी। ऐसा कर्म मत करना कोई जिससे मेरा कृष्ण तुम्हें छोड़ दे, कभी भी ऐसा कर्म मत करना। अगर एक बार उसने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम कहीं के नहीं रह सकोगे, तुम कृष्ण से मिलने के लायक नहीं रह सकोगे। इसलिए चाहे वो तुम्हें पकड़ने में देर कर दे, लेकिन ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे वो तुम्हें छोड़ दे। एक बात सुना, एक जीव ने भगवान से कहा, हे गोविंद तुम मुझे पकड़ लो। भगवान बोले, मुझे जरूरत नहीं है, मैं क्यों पकड़ूं, मुझे क्या जरूरत है मैं पकड़ूं। अगर तुझे जरूरत है तो तू पकड़, अगर तुझे जरूरत है तो तू पकड़ना। जीव बोला, प्रभु जरूरत तो मेरी ही है, पकड़ना भी मुझे ही चाहिए, परंतु मेरे प्रभु मेरी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है कि मैं आपको हमेशा पकड़ के रख सकूं, मेरी पकड़ बड़ी कमजोर है। जब भी थोड़ी सी हवा चलेगी भोगों की विलासों की, जब भी थोड़ी सी आंधी आएगी वासनाओं की, जब भी बादल गिर के आएंगे विपत्तियों के, तो मेरी पकड़ कमजोर हो जाएगी और मुझसे आपका हाथ छूट जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे, अगर आप मुझे पकड़ ले तो मुझे यकीन है कि आपकी पकड़ में वो दम है, इतनी मजबूत है आपकी पकड़ कि इस दुनिया में ऐसा कोई तूफान ही नहीं बना जो आपकी पकड़ को कमजोर कर दे। अगर आपने मुझे पकड़ लिया तो मैं हर तूफान का सामना कर लूंगा, हर आंधी का सामना, हर विपत्ति का, हर मुसीबत का सामना कर लूंगा। कोशिश करना कि मेरा ठाकुर तुम्हें पकड़ ले। जब ये दुनिया वाले तुम्हें पकड़ते हैं ना, तो समझना मेरे ठाकुर ने अपनी डोर ढीली कर दी है। जब भी ये तेरा बाबरा मन दुनिया में भटके तो समझना मेरे ठाकुर ने डोर ढीली कर दी, जा कितना जाना चाहता है मैं देखूंगा। लेकिन जब मन सब जगह से छूट कर सिर्फ गोविंद की याद में रख जाए तो समझना मेरे गोविंद ने तुझे कस के पकड़ा हुआ है, वो तुझे छोड़ने को कतई तैयार नहीं, वो तुझे छोड़ना नहीं चाहता, वो तुझे पकड़ के रखना चाहता है। और ये पकड़ मजबूत होगी गोविंद की, इसलिए कोशिश करते रहो कि वो तुम्हें पकड़े। ऐसा कोई भी कर्म ना हो जिससे वो मुझे छोड़ दे, वो मुझे छोड़े नहीं, वो मुझे पकड़ के रखे। पूतना का वध किया मेरे ठाकुर ने, और पूतना का वध करने के बाद में एक सकटासुर नामक राक्षस भी आ गया, उसका भी वध किया मेरे ठाकुर ने, उसका भी कल्याण किया मेरे ठाकुर जी ने। ऐसे धीरे धीरे करके कुछ समय निकलता गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक दिन की बात है, गर्गाचार्य जी महाराज वहां पर पहुंचे। गर्ग प्रोहितो राजन यदु नाम सुमहातप ब्रजम जगामी नंदस्य वसुदेव प्रचोदित। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी जो उनके कुल पुरोहित थे उनको भेजा, जाके देवकी के पुत्र का, रोहिणी के पुत्र का नामकरण कराओ। अब छुपके गए, क्यों? क्योंकि ये वसुदेव जी के कुल गुरु हैं, और कंस को बड़ी चिंता सता रही है, क्योंकि जब कन्या को मारा था ना, मारना चाह रहा था, तो कन्या उड़ गई आकाश में। और उस कन्या ने एक बात कही कि तू मुझे क्या मारेगा, तू मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि मारने का काम किसी और के हाथ में है, तेरे हाथ में नहीं है, तू मुझे नहीं मार सकता। पर हां, जिसके लिए तूने इतनी बाल हत्याएं की है ना, वो तुझे मारने वाला प्रकट हो गया। अब कंस बोला, देवी जाते जाते जो तो बता जाओ भयो कहां है, अब ढूंढू कैसे। बोले, तू चिंता मत करे, तू मत ढूंढियो, जादना तेरो समय आवेगो, वो तू अपने आप ढूंढ तो चले आवेगो, अपने आप तो ही ढूंढ लेगो। फिर भी ज्यादा नहीं, फुल एड्रेस नहीं दिया,
थोड़ा सा एड्रेस दे दिया, ब्रज में प्रकट भयो है, जा कर ले तो पे जो होए। और जादना दे पता चलिए ब्रज में प्रकट भयो, वैद्यनाथ दे तमाम मुसीबत भेजते ही ब्रज में जाओ, जितने भी एक महीना तक के बालक है सबन ने मारो। भाई के काजी पूतना भेज दे, बालक हाथ नहीं।